ब्रिटिश ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मिनी की मिनी कूपर, कंट्रीमैन और कूपर ऐसी हमने देखी ही है, और इनके कॉम्पैक्ट डिजाइंस, गुड फीचर लिस्ट और अट्रैक्टिव कलर्स बनाते हैं इन गाड़ियों को इजी टू आइडेंटिफाई। मिनी अपने थर्ड जनरेशन कंट्रीमैन और कूपर इलेक्ट्रिक को इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च करने वाली है और इंडिया में लाई जा सकती है अगले साल तक। सबसे पहले बात करते हैं नई कंट्रीमैन की और इसमें हमें क्या क्या नया देखने को मिलेगा। गाड़ी के मेजर चेंजेस दिख रहे हैं रीडिजाइन ग्रिल, हेडलाइट्स और रेयर लाइट्स में, जो यूके के फ्लैग को रिजेंबल कर रही है। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में ये गाड़ी बड़ी है क्योंकि इट इज 60 mm टॉलर एंड 130 mm वाइडर, जो इसके लेग रूम और बूथ स्पेस को एनहांस करती है। रेयर सीट्स इंडिविजुअली एडजस्ट हो सकती है और कंट्रीमैन में पहली बार ADAS या ऑटोनॉमस एडवांस सिस्टम लेवल 2 ऑफर करा जाएगा, और ये गाड़ी अवेलेबल है ICE और EV पावर ट्रेन ऑप्शंस में। पेट्रोल में दो ऑप्शंस, पहला 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन और दूसरा 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन, और कई मार्केट्स में डीजल पावर ट्रेन्स भी ऑफर करे जाएंगे। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की बात करें तो ये गाड़ी पावर लेगी सिंगल या डुअल मोटर से। नाउ लेट्स मूव टू द मिनी कूपर इलेक्ट्रिक। सर्कुलर हेडलाइट्स, रीडिजाइन ग्रिल, पिलर्स और व्हील्स डिफरेंट है, और इंटीरियर में मिनिमलिस्टिक डिजाइंस है जिसमें राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9.5 इंच की OLED टच स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की जगह हेड्स अप डिस्प्ले मौजूद है, और साथ ही साथ व्हील बेस भी बड़ा है जो इलेक्ट्रिक मोटर को एफिशिएंटली फिट कर सकता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मिनी कूपर इलेक्ट्रिक दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, और पहला है फ्रंट माउंटेड 40.7 किलोवाट पर आवर बैटरी के साथ, जो 305 किलोमीटर की रेंज देता है, और दूसरा है 54.2 किलोवाट आवर की बैटरी जो 402 किलोमीटर की रेंज देती है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, और 10-80% ये चार्ज हो सकती है इन अंडर 30 मिनट्स। इन दोनों वेरिएंट्स में ड्राइविंग मोड्स के ऑप्शंस के साथ नए डिजिटल ड्राइविंग साउंड्स भी रहेंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑटो लाइव।